नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भारी बवाल और तोड़फोड़। लोगों ने चार स्कॉर्पियो में लगाई आग, स्टेज पर मौजूद सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ा। खेसारी के नहीं पहुंचने पर गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। मंगलवार को नेपाल के सुनसारी में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मद्देनजर नेपाली पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले होटल में ही रोक लिया और वहां नहीं जाने दिया। जिला प्रशासन और नेपाली पुलिस द्वारा बताया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण पहले ही कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई थी और किसी भी कलाकार को बाहर से बुलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद इसके बरजू महोत्सव के आयोजकों ने उन्हें बुला लिया। बरजू महोत्सव सुनसारी के बरजू ग्राम नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बुलाए गए हजारों दर्शकों ने आक्रोश में आकर तोड़फोड़ किया। दर्शकों ने आयोजक पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोजपुरी स्टार खेसारी को बुलाने की मांग पर महोत्सव के टिकट में बढ़ोतरी करके 300 से 500 रुपया कर दिया गया था और प्रशासन के रोक के बावजूद मंगलवार को भी टिकट की बिक्री की गई थी और 11 बजे तक खेसारी के आने की बात भी कही गई। 10 दिसंबर से चल रहे बरजू महोत्सव में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए सुनसारी जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर को भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि बरजू सामुदायिक विकास केंद्र के सहयोग से आयोजित महोत्सव के दौरान 4 स्कॉर्पियो, 1 सिटी सफारी, 1 मोटरसाइकिल और 1 साइकिल में आग लगा दी गई है। भीड़ ने 1000 प्लास्टिक की कुर्सियों, 2 स्टेज साउंड सिस्टम और 2 जनरेटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर को कोरोना संक्रमण फैलने के बाद मेले को रोकने के लिए पत्र दिया था, लेकिन मेला फिर से शुरू होकर जारी रहा। इस घटना की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत व बरजू विकास केंद्र पर जाती है। जिला प्रशासन के अनुसार घटना उस समय घटित हुई जब कोरोना महामारी के दौरान बरजू झील में मेला लगाकर आयोजक पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। जिला पुलिस कार्यालय के SP संजय सिंह थापा ने कहा कि पुलिस ने पहले ही आयोजकों को सूचित किया था कि खेसारी लाल के आने के लिए तैयार होने के बाद भी उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, बावजूद इसके मेले का आयोजन किया जा रहा था। पूरे मामले के बाद आयोजक चौधरी फरार बताया जा रहा है। बिहार लाइव नाउ के लिए नेपाल से सरोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे जितने भी बंदे वहां थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी पूरे दिन टिकट काटते रहे, टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं कि टिकट कट रहे और टिकट भी कार्यक्रम है और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। इसमें मैं पब्लिक, जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक, हाँ आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो उसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया, जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार तो हम पे आ जाएगा। प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दी, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया, कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? शर्मन जी, शर्मन जी अभी तक मिलने तक नहीं आया। पूरा नाम, शर्मन चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए,
हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे लोग। चलो तो चले तैयार है एकदम। मोटरो साइकिल जर गए Hey, I'm not lying. 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 I'm